वेलकम स्टूडेंट्स, हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसके अंदर हम एक बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ड्रॉ करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। मैग्नेट एक ऐसी चीज़ होती है जो ऐसे एलिमेंट से बनती है जो कि मेटल्स को अट्रैक्ट करे, यानी कि अपनी जानिब खींचे। मिसाल के तौर पे मैग्नेट आयरन के टुकड़ों को अपनी जानिब खींचता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम एक मैग्नेट, जो कि यहाँ पे आपको ब्लैक कलर से नज़र आ रहा है, इसको जब हम आयरन के कुछ टुकड़ों के करीब लाएं तो आयरन के टुकड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन के टुकड़े इस मैग्नेट के साथ चिपक गए हैं। इसी तरह फ्रिज के दरवाजे के अंदर भी मैग्नेट मौजूद होता है जिससे वो सख्ती से बंद हो जाता है। अगर हम मैग्नेट को एक बार की शक्ल दे दें तो उसे बार मैग्नेट कहा जाता है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा साउथ पोल होता है। मैग्नेट के इर्द गिर्द की वो जगह जहाँ पे उसकी मैग्नेटिक फोर्स को महसूस किया जा सके वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है, और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ लाइंस की मदद से शो किया जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल में से निकलती हैं, यानी कि उनकी डायरेक्शन ऐसे होती है कि वो नॉर्थ पोल में से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ एंटर होती हैं। जहाँ पे ये लाइंस एक दूसरे के करीब होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की शिद्दत ज़्यादा होती है, और जहाँ पे ये एक दूसरे से दूर होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की शिद्दत कम होती है। तो हम इस प्रैक्टिकल में बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे कि हमारे पास बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न आता है। इस प्रैक्टिकल को हम इन स्टेप्स में करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए ये प्रैक्टिकल करने के लिए, फिर इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे जिसके रिजल्ट में हम देखेंगे कि बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हमारे पास क्या पैटर्न बना है। तो सबसे पहले हम एपरेटस को डिस्कस कर लेते हैं। हमें प्रैक्टिकल करने के लिए एक मैग्नेट बार चाहिए होगा, साथ ही हमें एक कंपास चाहिए होगी। कंपास के ज़रिए से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्शंस यहाँ पे दी हुई होती हैं कंपास के अंदर, यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और इस कंपास की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को नोट कर सकते हैं। इसी तरह से हमें वुडन ड्राइंग बोर्ड चाहिए होगा, यानी कि लकड़ी से बना हुआ एक बोर्ड चाहिए होगा, साथ ही पेंसिल चाहिए होगी, कुछ ड्राइंग पिंस की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ हमें वाइट पेपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इस प्रैक्टिकल को करने का तरीका डिस्कस करेंगे। अर्थ यानी कि ज़मीन की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन कुछ यूँ होती है कि वो साउथ पोल से निकलती हैं और नॉर्थ पोल में एंटर होती हैं, और उनका जो पैटर्न होता है वो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि वो पैटर्न किस तरह का बनता है। हम ये करेंगे कि जो ड्राइंग बोर्ड है उसके ऊपर कागज़ को रखेंगे और कागज़ के किनारों पे ड्राइंग पिंस की मदद से इसको वुडन बोर्ड पे ठहरा लेंगे ताकि ये हिले ना। इसके बाद हम इस कागज़ के ऊपर कंपास को रखते हैं, और कंपास को मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको। कंपास के अंदर मौजूद जो सुई है ये सुई हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, यानी कि ये जो सुई का किनारा है रेड कलर में ये अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ डायरेक्ट है, यानी कि उसकी सिमत बता रहा है। अब हम बार मैग्नेट लेंगे और उसको इस कागज़ पे इस तरह रखेंगे कि वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में हमें कंपास की मदद से अर्थ के पोल्स पता चले हैं, यानी कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है उसी सिमत में है जिस सिमत में हमारे पास अर्थ का नॉर्थ पोल आया है, और बार मैग्नेट का साउथ पोल उसी सिमत में हमने रखना है जिस सिमत में हमारे पास कंपास की मदद से अर्थ का साउथ पोल पता चला है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम मैग्नेट को कागज़ के ऊपर रख रहे हैं और यहाँ पे हमने कंपास भी रख दी है और आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल ऊपर की जानिब है इस मैग्नेट का। अब हम ये करेंगे कि कंपास को ऐसे रखेंगे इस मैग्नेट के साथ कि जो हमारे पास कंपास के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन शो हो रही है यानी कि एन लिखा हुआ है ये बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में हो। इसी तरह से जो कंपास के अंदर साउथ डायरेक्शन यानी एस लिखा हुआ है वो भी बार मैग्नेट के साउथ पोल की सिम्थ में हो। अब जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है कि जब मैंने यहाँ पे कंपास रखी तो जो नीडल थी कंपास की वो एक खास डायरेक्शन में चली गई है। अब यहाँ पे जो सुई है वो जिस डायरेक्शन में रुकी है वहाँ पे हम पेंसिल की मदद से निशान लगा लेते हैं। अब इस नुक्ते को हम पॉइंट P1 कह देते हैं। अब दोबारा से हम कंपास को इस तरह रखेंगे कि वो पॉइंट P1 से जुड़ रहा हो तो आप देखते हैं कि सुई की डायरेक्शन अब चेंज हुई है। और इस दौरान हमने यही ध्यान रखा है कि कंपास जिस डायरेक्शन में नॉर्थ को शो कर रहा है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में हो और जो साउथ लिखा हुआ है कंपास के अंदर वो भी बार मैग्नेट के साउथ पोल की ही डायरेक्शन में हो। अब हम यहाँ पे उस जगह पे जिस जगह पे सुई आके रुकी है वहाँ पे दूसरा नुक्ता लगा देते हैं और इसको हम P2 कहते हैं। इसी तरह से दोबारा हम इस कंपास को मूव करेंगे कि वो P2 से टच हो रहा हो तो यहाँ पे अब हम एरो हेड लगा देंगे यानी कि अब जो हमारे पास P1 से P2 तक का निशान आया था ये असल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि नीचे की तरफ है। यानी कि हमारे पास इस कंपास में जो सुई का नीला हिस्सा है ये हमें शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये किस डायरेक्शन में जा रही है। इसके बाद हम यहाँ पे भी पॉइंट लगा देते हैं जहाँ पे ये नीला हिस्सा हमें डायरेक्शन शो कर रहा है। इसके बाद हम बहुत से डॉट्स लगा लेते हैं और इन डॉट्स को जब हम पेंसिल की मदद से जोड़ेंगे तो हमारे पास एक खास पैटर्न बनता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये असल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी है फोर्स की जिनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि हमने पहले बताई थी कि वो किस डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा वो कुछ ऐसा बन रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल में से निकल रही हैं और साउथ पोल में एंटर हो रही हैं। और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब हैं वहाँ पे इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा शिद्दत की है। और हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस बार मैग्नेट से दूर होते जा रहे हैं तो ये लाइंस भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं यानी कि मैग्नेटिक फोर्स की शिद्दत कम होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल में हमने बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनको ड्रॉ किया जिससे हमें उनका पैटर्न पता चला और साथ ही हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होती है।